साल 2020 आपको तो याद ही होगा, आखिर किसे याद नहीं है वो वक्त जब पूरी दुनिया कैद में थी। कोरोना की डर की वजह से हर ओर लाशें बिछ रही थी, लोग परेशान थे, सब कुछ थम सा गया था, हर ओर निराशा ही छाई हुई थी। और इस बीच आईपीएल पर भी संकट आ गया था। पहले आईपीएल को टाला गया, फिर जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन बढ़ा तो आईपीएल को भी आगे बढ़ा दिया गया। फिर किसी तरह आईपीएल को तमाम मुश्किलों के बाद सितंबर में शुरू किया गया। अब जब आईपीएल या क्रिकेट नहीं हो रहा था तो खिलाड़ी घरों में ही टाइम पास कर रहे थे, लेकिन जब आईपीएल शुरू हुआ तो बवाल हो गया। और ये बवाल मैच की वजह से नहीं, एक कथन की वजह से हुआ था। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की आज की कहानी में आपको बताएंगे आईपीएल 2020 की वो कहानी जहां सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा कह दिया था कि बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी थी, और जो कहा था वो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर। साल 2019 से 2022 के बीच विराट कोहली का बुरा फेज चल रहा था। क्रिकेट का किंग एक एक रन के लिए तरस रहा था। कभी कोई कैच छूट जाती थी, कभी आसानी से विकेट गिर जाता था, तमाम चीज़ें हुई, कप्तानी भी बढ़िया नहीं चल रही थी। और इस बीच एक हवा उड़ाई जाती थी कि विराट कोहली के लिए अनुष्का शर्मा पनौती हैं। कभी ट्विटर पर, कभी मैदान पर सिर्फ यही बात होती थी कि अनुष्का के चक्कर में विराट कोहली का गेम बेकार हो गया। इसको इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि ऐसी भाषा बोलने वाले सबको मालूम था कि सिर्फ एक तरह के ट्रोल ही हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे में किसी ने लोड नहीं लिया और वो चीज़ें पूरी तरह से इग्नोर की जा रही थी। एक बार विराट कोहली ने ढंग से समझाया था और ट्वीट कर ये बताया था कि अनुष्का को ट्रोल करने वालों को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह से उसे निशाने पर लिया जा रहा है वो गलत ही है। ये बात साल 2016 की थी जब विराट कोहली ने लोगों को ऐसा जवाब दिया था। अब साल 2020 के आईपीएल पर आते हैं। आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब का मैच चल रहा था। आरसीबी ने पहले फील्डिंग की और इस दौरान विराट कोहली के हाथ से दो कैच छूट गए। विराट कोहली इस सीज़न में वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और इसी बीच ये कैच भी छूटे थे। इसी के बाद जब आरसीबी की बैटिंग आई तब सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री के दौरान विराट कोहली की बल्लेबाजी पर बात हुई और इसी दौरान सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर पूरा बवाल हो गया और बात क्रिकेट से भी आगे बढ़ गई। हिंदी कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर ने बोला, विराट जानते हैं कि जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे उसी से वो बेहतर बन सकते हैं। लॉकडाउन में तो वो सिर्फ अनुष्का शर्मा की बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। बस गावस्कर की यही बात ने बवाल कर दिया। दरअसल देखा जाए तो सुनील गावस्कर उस एक वीडियो का रेफरेंस दे रहे थे जो लॉकडाउन के वक्त सामने आई थी, जिसमें विराट कोहली अपने अपार्टमेंट में क्रिकेट खेल रहे थे, अनुष्का शर्मा उन्हें बॉलिंग करवा रही थी। सुनील गावस्कर ने अब चाहे किसी भी लिहाज से ये बात कही हो, लेकिन इसका सार तो गलत मतलब में ही निकला। तभी सोशल मीडिया पर सुनील गावस्कर को बुरा भला कहा गया। इस तरह से बड़े क्रिकेटर की पत्नी को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई। बाकी बयानबाजी तो अपनी जगह थी, लेकिन जब अनुष्का शर्मा ने पहली बार इस मसले पर चुप्पी तोड़ी तो चीज़ें आगे बढ़ गई। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर बढ़िया से सुनील गावस्कर को जवाब दिया। अनुष्का ने सीधा कहा कि मिस्टर गावस्कर, आपका जो भी कथन है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे एक वाइफ उसके पति के खेल के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इतने साल में आपने शायद इतना तो किया ही होगा कि क्रिकेटर की प्राइवेसी लाइफ का सम्मान किया होगा। सुनील गावस्कर क्रिकेट के दिग्गज हैं। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी वो कमेंट्री और प्रशासक के तौर पर खेल से जुड़े हुए हैं। उनका अपना एक सम्मान है, लेकिन भारतीय कप्तान की पत्नी उन्हें इस तरह सोशल मीडिया पर लताड़ दे तो मामला समझा जा सकता है कि कितना सीरियस हो गया है, और ये सीरियस था भी। विराट कोहली की आलोचना अगर होनी है तो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन वो क्रिकेट की टर्म पर ही हो तो बढ़िया है, एक मर्यादित भाषा में हो तो भी बढ़िया है, वरना चीज़ें बिगड़ जाती हैं और बिगड़ भी गई थी। बाद में सुनील गावस्कर की ओर से भी जवाब दिया। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि अनुष्का शर्मा की वजह से विराट कोहली का खेल बिगड़ा है। कमेंट्री में भी मैंने वीडियो का ही जिक्र किया था और इसमें कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लॉकडाउन के बीच हुए आईपीएल में ये मसला काफ़ी लंबे समय तक चला था, एक तरह से डिबेट भी शुरू हो गई थी। जैसा कि हमने बताया कि सोशल मीडिया पर एक तरह से गावस्कर को घेर भी लिया गया था। खैर, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही एक लंबे वक्त से एक साथ हैं, अब पति पत्नी हैं, दो बच्चों के माता पिता भी हैं, लेकिन ये समाज अक्सर विराट कोहली की खामियों को लेकर अनुष्का शर्मा को घेरता रहा है और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर होती रहती हैं जो बताती हैं कि हम कई मायनों में अभी भी काफ़ी पीछे ही रह गए हैं। खैर, इस किस्से में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। टीवी9 डिजिटल पर शुक्रिया।